हाय फ्रेंड्स, आप youtube.com/hindi-tech-tips टाइप करके यहाँ सब्सक्राइब बटन पर प्रेस करिए। इसे प्रेस करने से ही आप मेरे जो कुछ भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं ना, वो आप अपने मेल में पा सकते हो। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग टैली में लेजर्स और ग्रुप्स के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो देखिए, आप टैली के बारे में कुछ भी नहीं जानते या आप अकाउंटिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो तो आप ये वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें मैं आपको ये लेजर्स क्या होते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं बताता हूँ। ये जाने बगैर आप टैली करना इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है बिल्कुल। ठीक है, तो आप बिगनर्स हो तो ज़रूर इस वीडियो को देखिए और इस सबको नोट कर लीजिए और इसको राइट करिए और एक से दो बार पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे आपको बार बार आपके टैली में पाला पड़ने वाला है। तो ज़रूर इसको नोट कर लीजिए और पढ़िए भी। ठीक है, तो देखिए, मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ आपको बार बार नोट करिए और पढ़ने के लिए, तो देखिए, अगर आप टैली पे कोई एक प्रॉब्लम एंटर कर रहे हो, ठीक है, तो आपको वहाँ एक वेजेस नाम का एक वर्ड आ गया है। ठीक है, तो उसको आप टैली में एंटर करना है, तो आप उसको कैसे एंटर करोगे? जैसे देखिए, मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, वेजेस और सैलरीज के बीच में डिफरेंस बताइए। तो बहुत सारे लोग जो लोग अकाउंट्स के बारे में नहीं जानते हैं, वो लोग क्या समझते हैं, सैलरीज और वेजेस दोनों को एक ही, दोनों वर्ड्स को एक ही समझते हैं, क्योंकि देखिए, दोनों सिचुएशंस में भी आपको पेमेंट करना होता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं कि सैलरी और वेजेस दोनों एक ही है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। देखिए, जो सैलरी होते हैं ना, वो मंथली बेसिस पर देते हैं, मंथली बेसिस पर पे किया जाता है, यानी पर्टिकुलर पीरियड पर पे किया जाता है। और वेजेस जो है ना, वो डेली लेबर्स होते हैं ना, कूलीस, उनको दिया जाता है, यानी डेली पे करते हैं वेजेस। तो आपको टैली पे एंटर करते टाइम इसको इसी तरह एंटर करना होता है। जैसे सैलरीज को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के नीचे आते हैं सैलरीज, और वेजेस जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, जो आप जब का जब पे करते हैं ना, यानी कूलीस को कब पे करते हो, उन लोगों का वर्क होते ही उसी दिन लोगों को पेमेंट किया जाता है, तो उसको हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। मंथली जो पे करते हैं ना, उनको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। उसके नीचे आपको रेंट आता है और करंट बिल आता है, टेलीफोन बिल आता है, इंटरनेट बिल आता है, जो सारे जो है हम लोग महीने में एक बार पे करते हैं ना, तो उन लोगों को हम सबको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। इसी तरह आपको ये ग्रुप्स और लेजर्स मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, ठीक है, और उसको हम लोग कंप्यूटर पे यानी टैली में किस तरह एंटर करते हैं, उसको अंडर कैपिटल अकाउंट के ग्रुप के नीचे एंटर करते हैं। उसी तरह आप दो पार्टनर्स मिलके बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो उसको भी हम लोग कैपिटल अकाउंट के नीचे ही एंटर करते हैं। बाद में शेयर्स रहते हैं ना, उसको भी हम लोग कैपिटल अकाउंट के नीचे एंटर करते हैं। और ड्राइंग्स को भी हम लोग कैपिटल अकाउंट के नीचे एंटर करते हैं। यहाँ तो आपको ये सब पता चल गया है, ओनर क्या है, पार्टनरशिप क्या है और शेयर्स क्या है, पर ये ड्राइंग्स क्या है? ड्राइंग्स ये है कि देखिए, आप एक बिजनेस स्टार्ट किए हो और उस पर कुछ मनी इन्वेस्ट कर चुके हो, ठीक है, बाद में आपको कुछ ज़रूरत पड़ती है और उसी इन्वेस्टमेंट से अगर आप पैसे निकालते हो, ठीक है, तो उसको हम लोग ड्राइंग्स कहते हैं। जो हम लोग इन्वेस्ट किया थे ना, वो जो इन्वेस्टमेंट में से हम लोग पैसे निकालते हैं, तो उसको हम लोग पर्सनली उसके लिए पैसे निकालते हैं, तो हम लोग उसको ड्राइंग्स कहते हैं। ठीक है, तो इट्स ड्राइंग्स को भी हम लोग कंप्यूटर पे यानी टैली में एंटर करते टाइम उसको अंडर कैपिटल अकाउंट के नीचे एंटर करते हैं। ठीक है, बाद में देखिए, नॉन मूवेबल थिंग्स को, जैसे फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग्स, प्लांट्स, टाइपराइटर, कंप्यूटर, वाटर कूलर, लैंड, ये सब आपके फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं इसको। ठीक है, ये असेट्स ही है, यानी ये आपके जायदाती है, पर इसको हम लोग फिक्स रखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग इसके फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। और देखिए, आप कुछ ख़रीदते हो या जो ख़रीदा हुआ माल रिटर्न करते हो, तो उसको हम लोग परचेस अकाउंट के नीचे एंटर करते हैं टैली में। ठीक है, और कुछ बेचते हो या बेचा हुआ, जो आपने कुछ बेचा हुआ माल आपके पास रिटर्न आ जाता है, तो उसको हम लोग कंप्यूटर पे सेल्स अकाउंट के अंडर एंटर करते हैं। ठीक है, तो देखिए, यहाँ आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नीचे कौन से लेजर्स आते हैं, जैसे ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, वेजेस, मैं आपको बताया था ना, वेजेस डेली लेबर्स को दिया जाता है, उसको वेजेस कहते हैं। और कैरेज एंड परचेस यानी जो आप चीज़ ख़रीदते हो ना, वो आपके घर तक आने के लिए जो ट्रांसपोर्टिंग चार्जेस होते हैं ना, उसको हम लोग कैरेज एंड परचेस कहते हैं, या कैरेज इनवॉइस भी कहते हैं।
ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक, ये सबको हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नीचे एंटर करते हैं। ठीक है, बाद में इनडायरेक्ट एक्सपेंस के नीचे देखिए ये सारे ग्रुप्स आते हैं, जैसे सैलरीज, रेंट, लास्ट ड्यू टू फायर, लास्ट ड्यू टू डैमेज, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल और डिस्काउंट। आप जो कोई कस्टमर आता है और आप उसको डिस्काउंट देते हैं तो उस डिस्काउंट को भी आप किसके नीचे एंटर करते हो, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के नीचे ही एंटर करते हो। ठीक है, बाद में देखिए आपको कमीशन, अगर आप किसी को कमीशन देते हो तो उस कमीशन को भी आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस के नीचे ही देते हो, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के नीचे ही एंटर करना है, कमीशन यानी पता है ना आपको। ठीक है, तो बाद में डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन को भी आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस के नीचे एंटर करते हो। डिप्रिसिएशन यानी देखिए आप इस साल कोई एक बाइक खरीदे हो, ठीक है, ये और आप उसको बेचना चाहते हो अगले साल। आप देखिए मैं आपको एग्जांपल कहता हूँ, अब मैंने मेरी बाइक 2010 में ख़रीदी थी, अब मैं उस टाइम मैं उसको 60,000 लगा कर ख़रीदा था। ठीक है, तो अब मैं इस 2016 में उसको बेचना चाहता हूँ तो वो कोई 60,000 लेके ख़रीदेगा? नहीं ख़रीदेगा, उसको उसके मॉडल पूछेगा यानी उसका ईयर पूछेगा, उसके ईयर के हिसाब से उसका दाम घटता जाएगा। ठीक है, उसे हम लोग जो घटाना कहते हैं ना उसको हम लोग डिप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, तो बाद में बैड डेबिटर्स, बैड डेबिटर्स को भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस के नीचे ही डालते हैं। बैड डेबिटर्स यानी देखिए आपका कोई दुकान है तो हर कोई बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि आपको टोकरा देकर चले जाते हैं, यानी बिना पैसे देकर चले जाते हैं या उधार देते हैं बाद में चुका नहीं पाते हैं, तो उसको हम लोग बैड डेबिटर्स कहते हैं। ठीक है, बाद में देखिए डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड यानी इसको हम लोग इनडायरेक्ट इनकम कहते हैं, यह हम ये एक तरह का इनकम हो गया है आपके लिए। जैसे देखिए आप किसी शॉप में जाते हो और आपको वहाँ कुछ डिस्काउंट मिल जाता है तो वो आपके लिए इनकम ही होता है ना। बाद में देखिए कमीशन रिसीव्ड, यानी आप देखिए रोज़ एक शॉप पर जाते हो, उसी शॉप पर आपके दोस्त को लेकर जाने पर आपको कुछ कमीशन मिलता है। ठीक है, तो उसको भी हम लोग इनडायरेक्ट इनकम के नीचे डालते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स तो मैंने बताया था ना आपके पर्सनल यूसेज के लिए, आप इन्वेस्टमेंट में से पैसे निकालते हो तो उसको हम लोग ड्राइंग्स कहते हैं। ठीक है, उस ड्राइंग्स पर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो उसको भी हम लोग इनडायरेक्ट इनकम कहते हैं। बाद में देखिए इन्वेस्टमेंट ऑन इंटरेस्ट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट मिलता है तो उसको भी हम लोग इनडायरेक्ट इनकम कहते हैं, और हैंडलिंग चार्जेस को भी इनडायरेक्ट इनकम ही कहते हैं। ठीक है, तो बाद में देखिए आपको करंट लायबिलिटीज के अंडर क्या क्या आता है। बिल्स पेएबल यानी जो आपको चुकाने वाले बिल्स होते हैं ना, जो पे करने वाले बिल्स, उसको भी हम लोग करंट लायबिलिटीज कहते हैं, यानी लायबिलिटीज किसको कहते हैं, बाकी को कहते हैं। ठीक है, लायबिलिटीज यानी बाकी। ठीक है, जो आपको पे करने वाले होते हैं ना, आउटस्टैंडिंग सैलरीज यानी चुकाने वाले खर्जे को कहते हैं। ठीक है, खर्जों को हम लोग सैलरीज करंट लायबिलिटीज कहते हैं। ठीक है, तो जो सैलरीज आपको पे करना है, जो रेंट आपको पे करना है, जो वेजेस आपको पे करना है, सबको हम लोग करंट लायबिलिटीज के नीचे आते हैं। और यहाँ देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट यानी करंट अकाउंट में इस तरह होता है, या आपके मोबाइल को देख लीजिए, BSNL या कोई भी आप मोबाइल देख लीजिए, अगर आपके उसमें बैलेंस हो जाता है तो वो आपको एडवांस टॉक टाइम देते हैं, यानी आपको एक 10 रुपये का टॉक टाइम देते हैं और वो उसको बाद में काट लेते हैं। कब काटते हैं, बाद में आपका बैलेंस रिचार्ज होता है ना, तब उसमें से 1-2-3 रुपये ज़्यादा काट लेते हैं। उसी तरह बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, आपके बैंक अकाउंट में पैसे भी नहीं होते हैं ना तो आपको थोड़े पैसे खर्चे में देते हैं, बाद में काट लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। इस बाद में देखिए लोन्स गिवेन, इसको भी हम लोग लायबिलिटीज़ के नीचे कहते हैं। ठीक है, बाद में देखिए करंट असेट्स, इसे पहले हम लोग फिक्स्ड असेट सुने थे ना, इसको हम लोग करंट असेट्स कहते हैं। जैसे देखिए बिल्स रिसीवेबल, जो आपको आने वाले बिल्स होते हैं ना वो बिल्स को, कैश इन हैंड जो आपके जेब में या हाथ में पैसे होते हैं ना उसको भी हम लोग करंट असेट्स के नीचे कहते हैं। और लोन टेकन यानी आप जो लोन उठाए होते हैं ना उसको भी, और प्रीपेड वेजेस जो पहले ही आप लेबर्स को पैसे दे देते हो ना उसको भी हम लोग करंट असेट्स कहते हैं। पहले ही एक साल के लिए आप रेंट दे देते हो उसके लिए, उसको भी हम लोग करंट असेट्स कहते हैं। प्रीपेड सैलरीज को भी, यानी पहले ही आप सबको तनख्वाहें दे देते हो तो उसको भी हम लोग असेट्स कहते हैं। बाद में इन्वेस्टमेंट्स, किसी में इन्वेस्ट करके रखे होते हैं ना उसको भी हम लोग ये कहते हैं, करंट असेट्स कहते हैं। और बैंक में जो पैसे होते हैं ना उसको भी हम लोग करंट असेट्स कहते हैं। ठीक है, बाद में संडे क्रेडिटर्स, संडे डेबिटर्स, ये क्या होते हैं। देखिए अगर आप
एक दुकान चलाते हो या कोई शॉप चलाते हो तो देखिए हर कोई ऐसा नहीं होता है कि सब आपको पैसे देकर ही लेकर जाते हैं। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कर्जे में लेकर जाते हैं, तो उसको हम लोग संडे क्रेडिटर्स कहते हैं। जो जो हमको क्रेडिट में देता है ना, उसको हम लोग संडे क्रेडिटर कहते हैं। जो हमारे पास से उठाकर लेकर जाता है ना, उसको हम लोग संडे डेबिटर कहते हैं। यानी जो आपको सप्लाई करता है सप्लायर, उसको हम लोग संडे क्रेडिटर कहते हैं। कस्टमर होता है ना, उसको हम लोग संडे डेबिटर्स कहते हैं। ठीक है, तो बाद में देखिए इनपुट वैट, आउटपुट वैट, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, ये सब किसके नीचे आता है? ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस के नीचे आता है। ठीक है, तो आप ये सब जान गए हो ना, तो एक बार इसको रट्टा मार लीजिए। ठीक है, यानी इसको याद कर लीजिए, तब जाकर आपको टैली बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन प्रेस करिए, फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए, गूगल प्लस के जरिए इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए। थैंक यू।